बजट फाइनल पर लोग नाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल सरकार के बजट पर मुहर लग गई। सरकार ने बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, पर ज्यादातर लोग इससे नाराज हैं और खासकर कर्मचारी। अब आगे क्या होगा? वहीं विपक्ष भी पूरे सत्र के दौरान सरकार पर हावी रहा। हम पहाड़ी में सुनिए अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा की बजट पर खास चर्चा। बजट के बाद असली लड़ाई। अच्छा राजेश, मैं आपसे पूछूं, अगर विधानसभा बजट सत्र का तो आज हो गया समापन। बिल्कुल। अगर मैं आपसे सरसरी तौर पे पूछूं, आपका इनिशियल कमेंट है राजेश, समय थोड़ा हमारे पास बीत जा रहा है, कैसा रहा सत्र आपका? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, विधानसभा का जो बजट सत्र अगर हम कहें, जिस दिन से ये शुरू हुआ 23 फरवरी से 15 मार्च तक ये सत्र चला, 16 इसमें बैठकें हुई, 1000 से ज्यादा सवाल पेश हुए। जिस तरह से सदन को देखें, सदन के भीतर की प्रक्रिया को देखें, सदन के बाहर के देखें, सत्र ये जो था ये बहुत कीमती बहुमूल्य सत्र था सरकार के नजरिए से, क्योंकि सरकार ने चुनावी नजरिए को देखते हुए सरकार ने भी कोई दरिया दिली दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन विपक्ष में भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो सत्र बहुत कीमती था और इसमें जो चर्चाएं हुई वो काबिले तारीफ रही। और असली लड़ाई तो शायद राजेश अब इस सत्र के बाद होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राजेश, बजट सत्र था, चुनावी साल है जी। अब चाहे इस पे ये कहा जाए कि बजट चुनावी नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण तो बजट ही था ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। 55,365 करोड़ का ये बजट हिमाचल का आज इस पे ध्वनि मत से मुहर लग गया अग्निहोत्री जी, पास हो गया। साथ ही ये बता दीजिए किसके लिए खुशी लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पास हो गया। पिछले साल के मुकाबले 1000 करोड़ इसमें अतिरिक्त का प्रावधान सरकार ने कर रखा था। सरकार ने हर वर्ग को छूने की कोशिश की अग्निहोत्री जी। अब इसमें जिनको लाभ मिला सीधे तौर पे कहें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर सरकार का बहुत बड़ा एक फैसला सामने आया, जिसमें आयु सीमा को के 10 साल कम करके सरकार ने 70 के बजाय 60 साल के हर व्यक्ति को पेंशन देने का प्रदेश भर में प्रावधान कर दिया है। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पंचायतों में आजकल, पंचायतों में मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, बड़े जोर शोर से अभियान चला हुआ है। सभी को कहा जा रहा है 60 साल प्लस के लोग हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाइए। बिल्कुल, 31 मार्च शायद इसकी लास्ट डेट भी है, इसको मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बहुत बड़ा सरकार का सीधे तौर पर फैसला था, जिससे हर वर्ग प्रदेश का प्रभावित एक तरह से हुआ, लाभान्वित एक तरह से हुआ प्रभावित के बजाय। हिमकेयर पे सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा जिस तरह के प्रदेश में खड़ा कर रखा है, और हिमकेयर कार्ड को लेकर जो सरकार ने व्यवस्था बनाई है, हर साल रिन्यू करवाने के बजाय 3 साल में रिन्यू होगा, बहुत बड़ा फैसला। आम आदमी के नजरिए से है, कर्मचारियों के या पैरा कर्मचारियों के नजरिए से देख लेते हैं जी। पंचायत चौकीदार है, हालांकि कह रहे हैं विभागों में मर्ज करिए, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं छूने की कोशिश की है। आंगनबाड़ी चाहे कार्यकर्ता है चाहे सहायिका है, दोनों को लाभ सरकार ने दिया है। पंप ऑपरेटर, पंप फीटर जो भी है, या बिजली बोर्ड के जितने टीमेट है, सरकार ने सीधा मानदेय वहां बढ़ाया है। आउटसोर्स कर्मचारी, क्योंकि पिछले काल भी पहुंचे थे आउटसोर्स कर्मचारी, हालांकि पॉलिसी मांग रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक सरकार ने पहली बार हुआ, इससे पहले अगर कांग्रेस सरकार की बात कर लें तो आउटसोर्स लगातार मांग कर रहे थे, पॉलिसी बनाई है, लेकिन कहां सुनवाई नहीं होती। पहली बार सुनवाई होके उनके लिए कमेटी बनी है, अब कमेटी रास्ता क्या निकालती है यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सुनवाई पहली बार हुई है। सिलाई अध्यापिकाएं हैं, वेटनरी फार्मासिस्ट इसमें है, मतलब छोटे वेटनरी फार्मासिस्ट इंतजार कर रहे हैं पंचायत, जो हां वेटनरी फार्मासिस्ट ही है ना पंचायत, वेटनरी सहायक जो है या वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके, देखिए मुख्यमंत्री साहब ने बोल तो दिया बिल्कुल कि उनका कब उनको तोहफा मिलता है, वो सभी इंतजार करके तैयार रहते हैं। आज ये बजट पारित हुआ है, 1 अप्रैल से बजट लागू होगा, तो अप्रैल महीने से व्यवस्था बनना शुरू हो जाएगी, तब तक संयम रखना होगा। अब तो माननीय भी लाभान्वित हो गए अग्निहोत्री जी, तो सरकार ने आम जन के साथ साथ हर वर्ग को छूने की कोशिश की है, जिसमें हमारे विधायक मंत्री भी हैं। बिल्कुल सही, शामिल हैं। अच्छा राजेश, चलिए ये आपने बता दिया कि ये जो खुश होने वाले थे, राजेश वो कौन से लोग हैं जो मायूस रहे इस बजट? बिल्कुल, देखिए मायूसी का अगर हम पैमाना देखें तो छल कुटा है सब्र, जैसे ओपीएस की बहाली को लेकर जो एनपीएस के कर्मचारी लगे हैं, या संयुक्त कर्मचारी महासंघ जिस तरह से लगा हुआ था, उन कर्मचारियों के लिए ना तो इस बजट में कुछ मिला, ना सरकार ने बजट में उनकी बात एक तरह से हुई है। दूसरा, सीनियोरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जो बात कर रहे थे, वो मुद्दा ही एक तरह से प्रदेश में ऐसा लग रहा है खत्म होने वाला, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की स्टेटमेंट आई
रही अग्निहोत्री जी। हालांकि आज थी इन कर्मचारियों को कि सरकार ने जेसीसी की मीटिंग में कहा था कि कमेटी बनेगी, अब हुआ यह है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि 3 साल के बजाय जब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का करके राहत दे दी है तो अब इस बिल्कुल राहत मिल गई है, तो मामला ये खत्म समझिए। आउटसोर्स का तो हमने बता ही दिया कि इनके लिए पैसा हालांकि ज्यादा मैटर ना पैसे का बढ़ा ना ही इनके लिए पॉलिसी एक तरह से आई। एनएचएम के कर्मचारी भी हैं अग्निहोत्री जी, वो कर्मचारी वो है जो लगातार ये दलील दे रहे थे कि सरकार एक तरह से उनके लिए पॉलिसी लाए, उनका पैसा बढ़ाए, अब क्योंकि सरकार ने घोषणा कर दी थी अब पैसा इनका ज्यादा। जी राजेश जी जी, और भी कई आम आदमी को महंगाई के नजरिए से हम देखते हैं कोई राहत नहीं मिली है। आम आदमी को आप देखिए पेट्रोल डीजल सस्ते हो गए, बस किराए की कोई घटाने की कोई बात वहां नहीं हुई है। इसके अलावा बेरोजगारी का आप ये देखिए कि 30,000 के करीब सरकार नौकरियां देने जा रही है, वर्गों में ये है जो फिलहाल असंतुष्ट नजर आ रहा है। राजेश एक और चीज अगर मैं आपसे कहूं तो देखिए सदन के भीतर और बाहर हंगामा बहुत हुआ इस बार, बाहर की तो हमने जिक्र कर ही लिया कर्मचारियों का पहुंचे बिल्कुल, कांग्रेस की हमने कल बात की थी, भीतर क्या हुआ कुछ क्षण कुछ एक दो चीजें इंस्टेंसेस राजेश समय बहुत जल्दी से भीतर है बिल्कुल। देखिए भीतर अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो सरकार को घेरने की कोशिश की है विपक्ष ने, चाहे बात भाषा पे आती हो चाहे बात प्रदेश के विषयों को लेकर आती हो, विपक्ष ने हरदम कोशिश की है कि सरकार को विवश कर दे जवाब देने के लिए, सरकार को विवश कर दे बैकफुट पे लाने की। तो इस तरह के तेवर अगर हम पक्ष के देखें तेवर विपक्ष के देखें तो दोनों को ही इस सत्र में बदले बदले तीखे नजर आए, क्योंकि चुनावी महक आ रही है इस साल। रही है सही बात है, और असली लड़ाई जैसे हमारा सेगमेंट था ये जहां से हमने शुरू किया था बिल्कुल असली लड़ाई। अब देखिए कल से आज आप ये कहिए कि जी सत्र अवसान हो गया है, लड़ाई हो गया है ना, तो अब वही चीज लड़ाई, हालांकि अगला सत्र भी होगा पर यही इम्कान है कि शायद छोटा हो, सभी लोग भी चुनाव बहुत नजदीक होंगे उस समय।